नई पीढ़ी को आर्यभट्ट के बारे में जानने की जरूरत। नित्यानंद राय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने रविवार को अखिल भारतीय श्री भट्ट ब्राह्मण सभा द्वारा बिहार विधानसभा के उपसभागार में आयोजित आर्यभट्ट जयंती समारोह में कहा कि अपने वंश पर गर्व करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट कौन थे और उन्होंने दुनिया को क्या दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान और खगोल के क्षेत्र में उनकी जो देन है उसकी वजह से अपने देश की एक मजबूत पहचान पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट के जन्म स्थान को लेकर भले ही विवाद है लेकिन उनके कार्यस्थल को लेकर कोई विवाद नहीं है। गुप्त काल के समय जिसे भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना दिया था। उन्होंने गणित और खगोल पर कई पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिए वे आज भी मान्य हैं। आर्यभट्ट के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। नित्यानंद राय ने कहा कि आर्यभट्ट की जयंती और भी भव्य तरीके से मनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए वह और उनकी पार्टी भाजपा हर मुमकिन सहयोग देने के लिए तैयार है। इस अवसर पर दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि आर्यभट्ट का संबंध खगोल से भी है। यहां पर उनकी वेधशाला थी। उनकी एक वेधशाला तारेगना में भी थी। जांच पड़ताल में पुष्टि भी हो गई है। उन्होंने कहा कि उन स्थानों के संरक्षण की जरूरत है जिनका संबंध आर्यभट्ट से रहा है। उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट पर सहज और सरल भाषा में एक किताब भी लिखे जाने की जरूरत है ताकि लोगों को उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके।